तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब बास्केट में। दोस्तों आज का नोटिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, MES की तरफ से हमारे पास आया है, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से। सब कुछ बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है और पोस्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं, तो सारी डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया जॉब अपडेट आए सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर सकूं। तो आइए चलते हैं अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी क्या होगी, कैसे अप्लाई करना है सब बताऊँगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे हमें साइट का नाम दिख रहा है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, और यहाँ पे नोटिफिकेशन हमें डिटेल में पता चलेगी। तो जो नोटिफिकेशन हमारे पास आया है MES की तरफ से, वो दो पोस्ट के लिए है, एक तो सुपरवाइजर B/S और ड्रॉट्समैन की पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि टोटल पोस्ट यहाँ पे 502 पोस्ट है, तो सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जाके आप नोटिफिकेशन पे जो है आप एक बार चेक कीजिएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 22nd of March 2021 है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 12th of April 2021 है, मतलब यानी कि 12 अप्रैल, यानी आज से 2 दिन बाद जो है एप्लीकेशन जो है क्लोजिंग हो जाएगी, आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। जो कि ऑफिस यहाँ पे टाइमिंग भी हमारे पास है रात 12 बजे तक का, 11:59। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि जैसे ही सबसे पहले आपको अवेलेबल होती है नोटिफिकेशन, आप सबसे पहले जाके अगर एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी है कि पेमेंट जो होनी है एग्जामिनेशन के लिए, उसकी भी क्लोजिंग डेट जो है 12th of April होगी। तो जो एप्लीकेशन फीस है औरतों के लिए, SC/ST कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं या किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो कोई फीस नहीं है, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, तो एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जो होगी वो आपकी 100 रुपीज होगी, और एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो MES की तरफ से आया है वो थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ करेक्टली बता सकूं। तो पहले पेज पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रखा है और डेट्स बता रखी हैं कि कब एप्लीकेशन ओपन होगा और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो MES के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी है और जो है इंडियन आर्मी को जो है प्रोवाइड करती है एक तरह से रियर लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और काफी अच्छी जो है एक तरह से गवर्नमेंट की कंपनी है, तो अप्लाई करना तो बनता यार यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था, जो पोस्ट है एक ड्रॉट्समैन की है और दूसरी सुपरवाइजर B/S की है। एज का क्राइटेरिया 18-30 years है दोनों ही पोस्ट के लिए, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो एज रिलैक्सेशन का जो बेनिफिट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे स्केल जैसा कि आप देख सकते हैं, पे मैट्रिक्स Level 6 है, तो जो टोटल सैलरी आपके पास आ सकती है वो रेंज करेगी 46,000 से 50,000 पर मंथ पे, जो टोटल सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी, तो इसमें वेरी कर सकती है या 46,000 और 50,000 के बीच में। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, सबसे पहले ड्रॉट्समैन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे मस्ट है कि 3 years का डिप्लोमा आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करा हो, और डिजायरेबल में लिखा हुआ है कि अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग में, जैसे कि अगर आपका एक्सपीरियंस है आपने ऑटोकैड में ऑपरेशन ऑफ जेरोक्स प्रिंटिंग एंड लैमिनेशन मशीन के साथ आपने काम रखा है, तो वो डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब है कि अगर कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आते हैं सुपरवाइजर B/S के लिए, यहाँ पे भी सैलरी जो है पे मैट्रिक्स Level 6 के बेसिस पे है, तो यहाँ पे भी 46,000 से लेके 50,000 के बीच में आपको पे होगा पर मंथ के बेसिस पे। और यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वाइज तो वही है 18 से 30 इयर्स के बीच में, और जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस स्टडीज में, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे ऑप्शंस कहीं सारे हैं कि अगर आप इको मास्टर्स डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स में है, कॉमर्स में है, स्टैटिस्टिक्स बिजनेस में स्टडीज में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है
वो मस्ट है, डिजायरेबल में नहीं है लेकिन मस्ट है, क्योंकि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर और इन अ कंसर्न ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जो है, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का स्टोर्स को संभालने का, अकाउंट्स को संभालने का। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक में, प्राइवेट सेक्टर में ही भले ही क्यों ना हो, वहां पे आपने काम कर रखा हो या वहां पे आपने ये सारे जो पोस्ट, ये काम वर्क एनवायरनमेंट में आपने काम कर रखा हो जहाँ पे अकाउंट्स का काम होता हो, हैंडलिंग स्टोर्स का, तो वो डिजायरेबल रहेगा। और भी ऑप्शन में दे रखा है, अगर मास्टर्स डिग्री अगर नहीं है, बैचलर डिग्री है इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में या फिर बिजनेस स्टडीज में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब ये सब्जेक्ट थे आपके बैचलर्स डिग्री के टाइम पे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बैचलर डिग्री है उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में या फिर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में या फिर परचेजिंग या लॉजिस्टिक्स या फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री के साथ आपके पास ये डिप्लोमा भी होना चाहिए इन सब चीजों में, और यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा भी है और 2 साल का एक्सपीरियंस है वही स्टोर्स में या कीपिंग अकाउंट्स में, किसी भी कंसर्न जहाँ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई बैंक हो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के, जहां पे आपने जो है काम किया हुआ हो इस तरह का, तो वो जरूरी है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज ये भी है, यहाँ पे बहुत लंबा इन्होंने बता रखा है लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो डिग्री आपकी बैचलर या मास्टर्स डिग्री खत्म होने के बाद से जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट किया जाएगा। अगर आपने अपनी डिग्री के दौरान कोई भी इंटर्नशिप करी हो या प्रोजेक्ट पे काम करा हो तब ये काउंट नहीं होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बताया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको दिख जाएगा कि कितनी पोस्ट हैं हर किसी के लिए। तो ड्रॉट्समैन के लिए आप देख सकते हैं, अनरिजर्व के लिए 21, SC के लिए 8, ST के लिए 4, OBC 14, EWS 5, तो ये टोटल 52 हो जाती है। यहाँ पे जो है अगर सारे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी डिसेबिलिटीज के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है, तो जो फिजिकल डिसेबिलिटीज हो तो उसके हिसाब से क्या ऑप्शन है हमारे पास कि या तो बोथ लेग अफेक्टेड बट नॉट आर्म्स, मतलब ये हेड जो आपके अंदर अगर कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है कि ये परमिसेबल है। OL मतलब 1 लेग अफेक्टेड आर राइट या लेफ्ट, डेफ है तो भी कर सकते हैं, पार्शियली डेफ है तो भी कर सकते हैं। अब सुपरवाइजर B और S के लिए जो है हमारे पास अनरिजर्व के लिए 183, SC के लिए 69, ST के लिए 33, OBC के लिए 120 और EWS के लिए 45, टोटल यहाँ पे 450 है सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन, अगर किसी भी डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी, अगर कुछ भी एलिजिबिलिटी रहती है आपकी तो आप उसके हिसाब से, यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप पढ़ के चेक कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जैसे मैंने आपको कहा था 502 है टोटल पोस्ट, तो काफी अच्छी पोस्ट है। और जहां इस टाइम पे अभी कोविड की वजह से थोड़ी वैकेंसीज कम आ रही है तो उसके हिसाब से काफी अच्छी पोस्ट निकली हुई है। बाकी जो नोटिफिकेशन में हमें आगे पता चलता है कि कमांड के हिसाब से जो है कि क्या क्या है, रिजर्वेशन की रिलैक्सेशन, यहाँ पे आपको पढ़ के पता चल जाएगा क्या क्या रिलैक्सेशन है। और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं तो सारा काफी डिटेल में बता रखा है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मिनिमम पासिंग परसेंट जो है यहाँ पे दे रखा है अनरिजर्व और EWS के लिए 50% रहेगा, बाकी कैटेगरीज यानी कि OBC, SC, ST के लिए 40% रहेगा। और जो एग्जामिनेशन रहेगा यहाँ पे, एग्जामिनेशन OMR शीट बेस्ड रहेगा तो आप उसका ध्यान रखिएगा। और जो एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो जहां तक है कि रिटर्न पे ही होगा, और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा आंसर की जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसका भी लिंक प्रोवाइड होगा नीचे, वहां पे अपलोड हो जाएंगी। तो एग्जामिनेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि रिटन टेस्ट की जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16/5/2021 की है, संडे को पड़ेगी डेट, तो आप तैयारी भी कर सकते हैं तब तक के लिए। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट पे शॉर्ट होने वाले को, जो जिनको भी शॉर्ट करा जाएगा उसके बेसिस पे सारा लिखा हुआ है।
आगे हम बढ़ते हैं तो OMR, वही क्या क्या टॉपिक आएंगे वो आप देख सकते हैं। मैंने बताया था OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और स्पेशलाइज्ड टॉपिक। तो अगर आर्किटेक्चर का जो उन्होंने डिप्लोमा या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, जो आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म फिल करते वक्त, फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करा जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपका ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक होगा। टोटल टाइमिंग 120 मिनट्स है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स रहेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और सिलेबस यहाँ पे डिटेल में बता रखा है। यूजुअली जो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम का जो सिलेबस होता है वही है यहाँ पे, तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है यहाँ पे। और जो कि हमारी बाकी आगे की नोटिफिकेशन रहेगी वहां पे थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है कि जो भी सारे एब्रिविएशन थे क्या है, डीमैन का मतलब, SC ST BL, जो भी सारा ऊपर लिखा हुआ था टेबल्स में, तो वो यहां से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बता रखा है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आपको मिलता है ये लिंक, मेरी नोटिफिकेशन वीडियो मिलती है, आप सबसे पहले जाके अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको भी जॉब सिक्योर करने में हेल्प हो सके। दोस्तों अगर इस वीडियो को देख कर आपको कोई भी हेल्प मिली हो और आपको जॉब सिक्योर करने में एक जो है हेल्प मिली हो मेरी तरफ से, तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट छोड़िए कि और मैं जॉब्स क्या बना सकता हूँ आपके लिए, क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जो एलिजिबल हैं आपके हिसाब से, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने ये जो क्वालिफिकेशन मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया इसके बेसिस पे एलिजिबल हैं और अभी हो सकता है अनएम्प्लॉयड हैं या जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी मैं आपको अगली वीडियो के साथ, एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ मिलूंगा। थैंक यू।